हाय गाइस, आज हम लोग कांदा भजी बनाने वाले, तो चलिए हमारे साथ कांदा भजी खाने के लिए। हम लोग ने दो बड़े प्याज लिए हैं, धनिया लिया है, मिर्ची ली है, बेसन लिया है, उसके बाद हम लोग ने नमक लिया है, नमक के बाद लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और अजवाइन लिया है। आज हम लोग कांदा भजी करने वाले हैं, तो हम लोग ने कांदा लिया है, इसको खड़ा कट करेंगे, अच्छे से पतला पतला कट करेंगे, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो, और फिर बाद में हम लोग इसको एक बाउल में डालेंगे। एक कांदा होने के बाद हम लोग दूसरा भी कांदा लेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी कितनी क्वांटिटी है उतने हिसाब से आप कांदा कट कीजिए, और बाहर बारिश का भी मौसम है तो ये खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो कांदा कट होने के बाद हम लोग ने इसमें नमक डाला है स्वादानुसार, आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो। कांदे में नमक डालने के बाद उसको पानी छूटता है, उसके वजह से हम लोग को भजी करने के लिए ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक मेथड है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये किया है। अब इसके बाद हम लोग धनिया लेंगे कट करने के लिए, धनिया कट करेंगे बारीक बारीक, आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में ले सकते हो, मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया था। फिर हम लोग ये अच्छे से कट कर लेते हैं, और ये कट होने के बाद उसी बाउल में डाल देंगे। तो हम लोग ने मिर्ची ली है, ये बहुत कम तीखी है इसलिए मैंने 4-5 लिया है मिर्ची को, और मैं इसको बारीक कट कर रही हूँ। आपको लंबा कट करना है तो आप लंबा भी डाल सकते हैं, मुझे छोटा पसंद है क्योंकि वो मिक्स प्रॉपरली होता है, इसलिए मैं छोटी कट कर रही हूँ इसको। और मैंने ये सिर्फ चार मिर्चियाँ ली है, उसके बाद मैं तीखा मिर्ची भी डालने वाली हूँ और हल्दी भी डालने वाली हूँ। ये डालने के बाद मैं अजवाइन लूँगी, उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के उसमें डालूँगी और मिक्स करूँगी। ये मिक्स करने के बाद मैं इसमें बेसन डालूंगी, तो चलिए हम लोग थोड़ा बेसन लेते हैं और इसको बिना पानी के मिक्स कर रही हूँ, देखो। और फिर बाद में जितना डालना है उतना डालो, और मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है, ये पानी मिक्सिंग के लिए लिया है प्रॉपरली, क्योंकि ऑलरेडी कांदे का पानी बाहर छूट चुका था इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग ने पूरा एक ग्लास बेसन लिया है और ये मिक्स प्रॉपरली हो चुका है, अभी आप देख सकते हो हम लोग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो हम लोग कढ़ाई गरम करने के लिए चलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वन फूड स्टेप को फॉलो करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हम लोग भजी डालेंगे इसमें। हम लोग ये हाई स्पीड पे ही रखा है गैस को। हम लोग ने सफोला गोल्ड यूज़ किया है, और ये देख सकते हैं आप, ये हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है भजी। तो चलिए इसको निकालते हैं खाने के लिए। ये हम लोग सेकेंड राउंड भी कर लेते हैं अपनी भजिया का, ये अच्छे से पकने चाहिए। हम लोग ने इसको छोटे छोटे डाले हैं, आप बड़े बड़े भी डाल सकते हैं भजिया करने के लिए, छोटे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पक सकते हैं इसलिए छोटे डाल रहे हैं हम लोग। आप भी इस कोविड सिचुएशन में घर पे कुछ ना कुछ तो बनाइए, और आप वन फूड स्टेप को अपना वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए हमारी गर्मा गर्म भजिया रेडी हो चुकी है। And thank you so much for watching our video. One Food Step को subscribe, like और comment करना।